Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, हम सभी होली का त्योहार बड़ी जोरों शोरों से मनाते हैं, पर हम में से कई लोगों को ये पता नहीं होता कि होली दरअसल मनाई क्यों जाती है और क्यों होली के दिन बड़ी सी आग जलाई जाती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। होली का यह पावन त्योहार मनाए जाने के पीछे दरअसल एक कहानी है, और इस कहानी के मुताबिक एक दुष्ट राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु एक बहुत दुष्ट और कठोर शासक था। हिरण्यकश्यपु के राज्य में किसी भी भगवान की पूजा किए जाने पे सख्त मनाई थी, और राजा के हुक्म के मुताबिक सिर्फ उसे ही भगवान माना जाता था। सुबह और शाम सिर्फ उसकी ही पूजा की जाती थी, पर उस राज्य में एक ऐसी भी व्यक्ति थी जो हिरण्यकश्यपु को भगवान माने बिना विष्णु की पूजा किया करती थी, और उसका नाम था प्रह्लाद, जो खुद हिरण्यकश्यपु का ही बेटा था। प्रह्लाद विष्णु का सच्चा भक्त था और हमेशा ही नारायण नारायण ऐसा जप करता था। खुद राजा का बेटा ही राजा की पूजा नहीं करता, ये बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी, और इसी बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को आदेश दे दिया, अभी के अभी प्रह्लाद को किसी गहरी खाई में फेंक दो। और उसी दिन सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए प्रह्लाद को एक गहरी खाई में फेंक दिया, पर उस खाई में गिरते हुए प्रह्लाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और सुरक्षित रूप में महल में प्रकट हो गया। प्रह्लाद को अब पता चल गया था कि उसकी रक्षा खुद विष्णु देवता ने की है, और इसीलिए उसकी श्रद्धा अब और भी मजबूत हो गई थी। और अगले दिन हिरण्यकश्यपु ने फिर से सैनिकों को आदेश दिया, प्रह्लाद को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। पर प्रह्लाद को कुचलने से पहले ही हाथी डरकर भाग खड़ा हुआ, और इसी तरह से हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को मारने के कई प्रयास किए, पर वो विष्णु भक्त प्रह्लाद का बाल भी बाका नहीं कर पाया, और आखिरकार हिरण्यकश्यपु मदद के लिए अपनी बहन होलिका के पास गया। होलिका अग्नि देवता की उपासक थी, और उसे वरदान हासिल था कि वो आग में कभी जल नहीं पाएगी, और इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने एक साजिश बनाई, और इस साजिश के तहत होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर जलती चिता में बैठने वाली थी, जिससे प्रह्लाद जल कर मर जाता और होलिका वरदान के तहत जिंदा रहती। और ये योजना लेकर हिरण्यकश्यपु अपनी बहन होलिका के पास चला गया। हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा, होलिका, तुम मेरे बेटे प्रह्लाद को लेकर जलती चिता पे बैठ जाओ। क्यों भैया, अपने ही पुत्र की जान लेना चाहते हो तुम? मेरा बेटा मेरी नहीं बल्कि विष्णु की पूजा करता है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। भले ही तुम प्रह्लाद को मारना चाहते हो, पर ये नीच कृत्य करने में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। मैं अपने ही भांजे के प्राण नहीं ले सकती। होलिका, जितना मैं कह रहा हूँ वो तुम चुपचाप करोगी, वरना तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है भैया, जो तुम कह रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर ये कभी मत भूलना कि ये कार्य करने के लिए तुमने मुझे पूरी तरह से विवश किया है। और दूसरे ही दिन अपने भाई के आदेश के मुताबिक होलिका भांजे प्रह्लाद को गोद में लेकर जलती चिता में बैठ गई। उस चिता में बैठे हुए भी प्रह्लाद नारायण नारायण ये जप कर रहा था, और तभी एक चमत्कार हुआ, होलिका खुद आग में जलने लगी। ये कैसे हो सकता है, मैं जल कैसे सकती हूँ? अग्नि देवता, मुझसे क्या गलती हो गई? और आखिरकार प्रह्लाद सुरक्षित तरीके से आग से बाहर आ गया, और विष्णु के नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यपु का खात्मा कर दिया। दोस्तों, हम जो आग होली के दिन जलाते हैं वो उसी चिता का प्रतीक है जिसमें होलिका का दहन हुआ था, जिससे ये बात सूचित होती है कि आग में सिर्फ
बुराई जलती है और अच्छाई बच जाती है। और हम लोग होली इसलिए मनाते हैं कि साल भर जो बुरे विचार हमारे दिल में आए थे वो उस आग के साथ जल जाएं और हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई बाकी रहे। दोस्तों, तो ये थी होली की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।